तो आज हम लोग अब देखेंगे बिलियन का कुछ भाग। जैसे हम लोग अब देखेंगे बिलियन का एक भाग आदर्श गैस, आदर्श बिलियन। जैसे आदर्श गैस होता है, गैसी नियमों में हम लोग आदर्श गैस देखते हैं, उसी प्रकार आदर्श बिलियन होता है जो राउल के नियम से संबंधित है। जैसा कि राउल के नियम में हम लोग देखे थे पीछे कि किसी वास्तव आपेक्षिक वास्तव अनुमान जो होता है वो बिलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, तो उसी से संबंधित थोड़ा सा है ये आदर्श बिलयन। जैसे पीछे गैसीय नियमों में हम लोग कहते थे कि ऐसे नियम जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हों उसे आदर्श गैस कहते हैं, या बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करें तो आदर्श गैस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है, राउल के नियम का जो गैसे जो बिलयन, राउल के नियम का जो बिलियन पालन करते हैं पूर्णतः उसे आदर्श बिलियन कहा जाता है। तो आदर्श बिलियन वह बिलियन होगा जो राउल के नियम का पूर्णतः पालन क्या करता है। राउल का नियम क्या है? आपेक्षिक वास्तव अवनमन जो होगा वह बिलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये मतलब आपेक्षिक वास्तव अवनमन जो होगा वो बिलय के मूल प्रभाज के बराबर है। इसका अगर पूर्णतः पालन करते हैं बिलियन तो उसको कहा जाएगा आदर्श विलयन। तो इसमें देखते हैं आदर्श विलयन, तो आदर्श विलय ऐसे विलयन या ठोस द्रव या द्रव द्रव ऐसे विलय सभी विलयन जो निम्न तीन नियमों का पालन करते हैं, निम्न तीन नियमों का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहे जाते हैं। मुख्य रूप से, मुख्य रूप से तो आपका राउल का नियम है, उसके साथ साथ कुछ और थोड़ा सा है। तो जो मुख्य तीन नियमों का पालन करेंगे ऐसे विलयन या ऐसे विलयनों का संगठन जो मुख्यतः तीन नियमों का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक, अब उन तीन नियम क्या है उसे हम देखते हैं। ऐसे सभी विलयन ठोस द्रव हो या द्रव द्रव का विलयन हो तो वो जिसमें इसमें निम्न नियमों का पालन करें, वो निम्न नियम जो होगा एक ये है, एक ये है और कि ये, इन तीनों नियमों का जो विलयन पालन करेंगे वो आपका आदर्श विलयन कहे जाएंगे। ठीक, आदर्श विलयन वह विलयन होंगे जो यहाँ पे दिखाए गए तीनों नियमों का पूर्णतः फॉलो करेंगे, पूर्ण नियमों को फॉलो करेंगे वे आदर्श विलयन कहे जाएंगे। जैसे राउल का नियम है ऐसे विलयन जो राउल के नियम का पूर्णतः पालन करते हो। राउल के नियम में क्या था? P₀ - PS/P₀ बराबर N/N+N। इसका अगर वो पालन कर रहे हैं तो वो कहे जाएंगे आपका आदर्श विलयन। क्या कहे जाएंगे? आदर्श विलयन कहे जाएंगे। ठीक, और दूसरा नियम क्या है? ΔH, जिसका ΔH मतलब विलेय और विलायक को मिला दिए तो उसका ΔH 0 हो। मतलब विलेय और विलायक को मिला रहे हैं तो न तो उसमें से ऊष्मा निकले और न ही ऊष्मा प्रवेश करे, या ऐसे कह सकते हैं विलेय पदार्थ और विलायक को हम मिलाएं तो विलयन बना, विलयन बनते वक्त न तो वह उसमें से ऊष्मा निकल रहा हो न तो ऊष्मा अवशोषित हो रहा हो, या ऐसे कह सकते हैं कि विलेय और विलायक के मिलाने पर वह ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित न करने लगे, या ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपण का प्रदर्शन न करने लगे। ठीक, जैसे ऊष्मा निकल सामान्य दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं, जैसे चूने को जल में घोला जाता है, या दीवारों पर लगाने के लिए हम लोग प्रायः घरों में चूने को जल में घोला जाता है, तो चूने का जो जल होता है या चूने का जो विलयन होता है वो गर्म होने लगता है। गर्म हो रहा है मतलब उसमें से ऊष्मा निकल रहा है। और जैसे ग्लूकोज को हम गिलास में घोलते हैं तो ग्लूकोज को गिलास में जल में लेकर घोलते हैं तो जल जो होता है पहले की अपेक्षा ठंडा महसूस होता है, तो उसका मतलब वह ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। और भी मतलब ऊष्मा इसमें लिख सकते हैं ऊष्मा न उत्सर्जित हो न अवशोषित हो। और आयतन, जब विलेय और विलायक को मिलाया जाए तो उसमें से आयतन विलयन का न तो बढ़े
ना तो घटे, मतलब जितना बिले बिलाया खाएं उतना रहे, न तो बढ़े न घटे। आयतन ना बढ़े ना घटे, तो ये सब अवस्थाएं होती हैं। ये तो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, डेल्टा आयन यदि 0 हो उष्मा न तो निकले न तो उत्सर्जित अवशोषित हो, आयतन न तो कम हो न तो अधिक हो, तो ऐसी अवस्था होती है तो कहा जाता है राउल्ट आदर्श विलयन। मतलब आदर्श विलयन वह विलयन होगा, शॉर्ट में देख सकते हैं आदर्श विलयन वह विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करें, जिसके विलेय और विलायक को मिला दिया जाए तो उसमें से न तो उष्मा निकले न तो अवशोषित हो, और आयतन के आधार पर देखेंगे तो आयतन जो होगा विलेय और विलायक को मिलाया जाए तो आयतन न तो बढ़े और न घटे, तो ऐसी अवस्था में विलयन जो होगा आदर्श विलयन कहा जाएगा। और जैसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं बेंजीन और टालविन, बेंजीन और टालविन को आपस में मिलाया जाता है, या हेक्सेन हेप्टेन को मिलाया जाता है, या एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड को मिलाया जाता है, तो ये सब जो होगा वो सामान्यतः आदर्श विलयन के उदाहरण है। इनके घटकों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है शुद्ध द्रवों के मध्य आकर्षण बलों के समान होता है सामान्यतः। तो ये आदर्श विलयन ऐसे विलयन होंगे जो निम्न नियमों का पालन करते होंगे, राउल्ट के नियम का, और दोनों विलेय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्सर्जित हो न तो आयतन प्रभावित हो, और इनकी जिन युग्मों से ये आदर्श विलयन बने होते हैं उनका संरचना ध्रुवता व रासायनिक प्रवृत्ति लगभग समान होती है, लगभग क्या समान होता है। और अनादर्श विलयन वो विलयन होती हैं, ऐसे विलयन जो उपरोक्त नियमों का पालन न करें वो अनादर्श विलयन कहे जाते हैं। मतलब आदर्श विलयन के अलावा आदर्श विलयन जिन नियमों का पालन करता है उन नियमों का पालन न करने वाले विलयन जो होंगे वो अनादर्श विलयन कहे जाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और जिनका डेल्टा एच 0 मिश्रण का डेल्टा एच 0 नहीं होता है, और डेल्टा भी जैसे ये क्या करेंगे राउल्ट का नियम जो विलयन बनेगा डेल्टा एच बराबर 0 और डेल्टा भी बराबर 0, न तो इसका पालन करेंगे न इसका करेंगे न इसका करेंगे। मतलब आदर्श अनादर्श विलयन वे विलयन होंगे जो इन तीनों नियमों या राउल्ट के नियम का पालन न करें, डेल्टा एच जिनका 0 ना हो, डेल्टा भी जिनका 0 ना रहे, तो वे जो है अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और जो अनादर्श विलयन होते हैं सामान्यतः राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन ये प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है। धनात्मक या ऋणात्मक दोनों विचलन, धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन दोनों प्रदर्शित करेंगे। तो राव अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करें, डेल्टा एच 0 न हो, डेल्टा भी 0 न हो, वो अनादर्श विलयन कहे जाएंगे। आदर्श विलयन भी होंगे जिन जो पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन करें और उसके साथ साथ डेल्टा एच 0 हो और डेल्टा भी 0 रहे, ये सब आदर्श विलयन कहे जाएंगे। तो इसमें राउल्ट के नियम के बाद इसमें विलयनों का विचलन देखना है, धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो पहले हम लोग धनात्मक विचलन को देखते हैं, फिर उसके बाद ऋणात्मक विचलन को देखेंगे। तो धनात्मक विचलन में क्या होता है कि ऐसा विलयन इसमें दो मार दो वास दाब निकलेगा, दो तरीके से, एक सामान्य प्रयोग द्वारा दाब निकल वास दाब निकलता है और एक वास दाब निकलता है राउल्ट के नियम के अनुसार। तो दोनों दाबों के ऊपर निर्भर करता है कि विलयन जो होगा वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। मतलब विलयन का मान विलयन सामान्य नियम द्वारा वास्प दाब निकाला गया और राउल्ट के नियम के द्वारा वास्प दाब निकाला जा रहा है, तो इन्हीं दोनों के नियमों दोनों नियमों द्वारा प्राप्त वास्प दाब
के ऊपर निर्भर करता है कि वह विलयन जो होगा वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। जैसे कि यहाँ पे जब दो घटक मतलब विलयन जो होता है, विलयन में दो घटक होते हैं, यहाँ पे विलयन बराबर विलेय पदार्थ प्लस विलायक होता है, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो दोनों घटकों के भिन्न भिन्न संगठन से बना विलयन, अभी विलयन हो गया, का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वास्तव और राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त किए गए वास्तव से अधिक होगा। राउल्ट के नियम से प्राप्त किए गए प्रयोगात्मक वास्तव अगर अधिक है, मतलब इसमें ऐसे कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक वाष्पदाब अधिक होगा राउल्ट के नियमानुसार निकाला गया वाष्पदाब। तो इस अवस्था में ये जो होगा वो विलयन जो होगा धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। सामान्यतः यह है कि ऐसा विलयन, विलयन सामान्यतः विलेय और विलायक से मिलकर बना होगा, तो उसके विलयन जिसका प्रयोगात्मक प्रेक्षण द्वारा प्रयोगात्मक मान निकाला गया, प्रयोग द्वारा वास्तव निकाला गया और राउल्ट के नियम द्वारा वास्तव निकाला गया, तो प्रयोग द्वारा निकाला गया वास्तव जो होगा राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वास्तव से अगर अधिक है तो वह विलयन जो होगा धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। अगर यही राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वास्तव का मान प्रयोग द्वारा निकाले गए वास्तव के मान से अधिक हो जाएगा तो वह ऋणात्मक विचलन को सामान्यतः प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि विलयन प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त किए गए वाष्पदाब से अधिक आता है, तो इस प्रकार का विलयन जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्पदाब अधिक हो और राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किया गया वाष्पदाब कम हो तो वह विलयन जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। जैसा कि इसमें प्रदर्शित किया गया है, ये जो लाइनिंग किया गया डॉटेड, ये नीचे वाली जो लाइनिंग है वो राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त वाष्पदाब को प्रदर्शित कर रहा है और ऊपर जो डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित कराया गया है वो आपका प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्पदाब को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से ए और बी जो दोनों का वाष्पदाब है, ये दोनों अलग अलग दिखाया गया है, तो इस रूप में वाष्पदाब जो होगा दोनों का अलग अलग प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पे धनात्मक विचलन में क्या दिखाया गया है कि सरल रेखा में राउल्ट के नियम द्वारा जो प्राप्त किया गया है वाष्पदाब उसको व्यक्त कर रहा है, तथा बिंदु रेखा में निष्कर्षों प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया, तो ये नीचे है, ये कम है, ये अधिक है, मतलब राउल्ट के पी आर राउल्ट के नियम द्वारा ये कम होगा पी प्रेक्षण द्वारा एक्सपेरिमेंटल द्वारा, तब वहाँ पे होगा पॉजिटिव पॉजिटिव डिविएशन आएगा। अगर ये उल्टा रहेगा तो नेगेटिव डिविएशन को प्रदर्शित करता है। हाँ, इसमें ये होता है कि ए और बी, मान लो ये पदार्थ आपका एक ए है और ये ए है और ये बी है, ए बी मिलकर एक विलयन का निर्माण किए, एक तो जिसको विलेय पदार्थ कहोगे और दूसरे को क्या कहोगे, विलायक। तो दोनों विलेय और विलायक मिल गया तो क्या बन गया, विलयन, विलयन बना। अब विलयन ए बी के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल जो होगा शुद्ध ए और शुद्ध बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल की अपेक्षा कम होते हैं। मतलब जो विलेय पदार्थ है, मान लो विलेय पदार्थ ए ए है और विलायक जो है बी बी है, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है शुद्ध ए में और शुद्ध बी में, जब ये दोनों मिल जा रहे हैं तो ए बी बना रहे हैं, तो ए बी हो गए, तो इसका जो आकर्षण बल होगा इनके अंतः आकर्षण बल की अपेक्षा जो है कम होता है, कम होता है विलयन के घटक। इस प्रकार वाष्पित होने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है
और इसमें उदाहरण क्या है, साइक्लोहेक्सेन या एथेनॉल के अणुओं के बीच होने वाले हाइड्रोजन बंध को कम कर देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेप्टेन और डाई एथिल ईथर एसीटोन, ये दोनों एक युग्म में रहेंगे, एक विलायक का कार्य करेगा, एक विलेय का कार्य करेगा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन है और एस्टरडिहाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है जल और एथिल एल्कोहल का युग्म है, मेथिल एल्कोहल कार्बन टेट्राक्लोराइड का युग्म है, साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल का युग्म है। वैसे इसमें पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, एथिल एल्कोहल जो शराब में जो जल या जल में शराब मिलाकर पीते हैं, पॉजिटिव डेविएशन के ही कारण पीते हैं। तो यहाँ पे जल और शराब का जो विलयन होगा या C2H5OH का जो विलयन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को प्रदर्शित करता है। जब विलयन का प्रयोगात्मक रूप से ऋणात्मक विचलन देखना है, जब विलयन का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया वाष्प दाब राहुल के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम आता है, मतलब तो राहुल का नियम का वाष्प दाब अधिक होता है और सामान्य नियम से प्राप्त वाष्प दाब कम आता है, तो इस प्रकार के विलयन जो है राहुल के नियम के ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। जब प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त वाष्प दाब अधिक होगा राहुल के नियम से, तब वह धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। इसमें विलयन जो है ए और बी दो घटक से मिलकर बने हैं। जब ए और बी के बीच लगने वाला ए और बी के बीच लगने वाले जो अंतः आकर्षण बल जो होगा या अंतः आकर्षण घटक शुद्ध ए बी ए के आकर्षण बल या बी और बी के आकर्षण से अधिक होते हैं या प्रबल होते हैं, तो इसमें ऋणात्मक विचलन उत्पन्न होगा। और इसमें से ये डॉटेड लाइन द्वारा या सामान्य लाइन से ये राहुल के नियम से प्राप्त वाष्प दाब को प्रदर्शित किया गया है, और डॉटेड लाइन द्वारा प्राप्त जो है प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्प दाब को प्रदर्शित किया गया है। इसमें इसका मान अधिक है और इसका मान कम है, मतलब राहुल का नियम से प्राप्त वाष्प दाब उच्च रहेगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और प्रयोगात्मक द्वारा प्राप्त वाष्प दाब उच्च रहेगा तो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। इसमें जैसे क्लोरोफार्म एसीटोन का युग्म है, या क्लोरोफार्म बेंजीन का, या जल HCl और जल HNO3 का जो युग्म है, ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। इसमें तो राहुल का नियम जो है ऐसे विलयन जिसमें राहुल के नियम द्वारा प्राप्त वाष्प दाब उच्च रहेगा तो वह ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, और राहुल के नियम द्वारा प्राप्त वाष्प दाब कम रहेगा तो वह धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है।